नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के भस्मासुर बैठे हैं और जहां ये भ्रष्टाचार के भस्मासुर बैठे होते हैं वहां भ्रष्टाचार की भयंकरतम झाड़ियां उग ही हैं। तहसील कार्यालय के बाबू तो भ्रष्टाचार के भक्तिभाव में इस कदर डूबे रहते हैं कि कोई मौका मिलते ही भ्रष्टाचार की भभूति लगा ही लेते हैं। सतना कलेक्ट्रेट में सोहावल वृत्त के तहसील कार्यालय में बनवारी लाल बागरी नाम के कार्यालय सहायक जो भ्रष्टाचार का भक्ति संगीत सुनने में माहिर है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वह एक व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। राजस्व महकमे के कुछ लोग एक डायलॉग बोलते हैं, ऑफिस आने का वेतन और काम करने का सुविधा शुल्क चाहिए, और यदि काम करने का सुविधा शुल्क नहीं मिला तो आप समझ लीजिए आपका काम नहीं होगा। उसके लिए राजस्व विभाग के लोग आपकी चप्पल घिसवा लेंगे, तारीख पे तारीख देंगे, लेकिन आपका काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने पैसा दे दिया तो भी काम हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लोग कहते हैं कि राजस्व विभाग से भगवान बचाए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें रज्जन तिवारी नामक व्यक्ति सोहावल वृत्त के तहसील के क्लर्क बनवारी लाल बागरी को पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह पैसा किस बात के लिए दे रहे हैं, ऑफिस में पैसे का लेन देन क्यों हो रहा है? क्योंकि तहसीलदार के कार्यालय में कोई चीज बेची और खरीदी तो नहीं जाती, इसलिए उस ऑफिस में किसी चीज को खरीदने के लिए तो कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। हाँ, यदि कोई पैसे का लेन देन हो रहा है तो निश्चित ही वह रिश्वत के दायरे में ही आता होगा। जब सोशल मीडिया में बनवारी लाल बागरी पैसा लेते हुए दिखे तो जो व्यक्ति पैसा दे रहा था उसकी विशाल खबर ने खोज खबर की और उसे ढूंढ ही निकाला। पहले तो आप पूरा वीडियो देखिए कि सोहावल वृत्त के तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के कार्यालय में बनवारी लाल बागरी नामक व्यक्ति जो कार्यालय सहायक है और वह एक व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं। गौर से देखिए इस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बनवारी लाल बागरी ने पैसा लिया फिर अपने पीछे की जेब में डाल दिया। अब बनवारी लाल बागरी किस बात का पैसा ले रहे हैं और उस व्यक्ति ने इन्हें किस बात के लिए पैसा दिया, अब उसका बयान सुन लीजिए। रज्जन तिवारी। क्या करते हैं रज्जन जी आप? मैं एक समाज सेवक हूँ। रज्जन जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें आप किसी व्यक्ति को पैसा देते हुए दिख रहे हैं, वो कौन व्यक्ति है जिसको आप पैसा दे रहे हैं? ये सोहावल तहसील के रीडर बनवारी लाल बागरी जी हैं। तो आपने उनको किस बात के लिए पैसा दिया? एक्चुअली क्या हुआ कि एक आदिवासी का मामला हम डील कर रहे हैं। आदिवासी की करोड़ों रुपए की जमीन भूमाफियाओं ने हड़पी है, जिसमें आदिवासी ने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया और उसमें न्याय की गुहार लगा रही है, तो उसी में कलेक्टर महोदय ने फाइल को मार किया सिटी एसडीएम महोदय को। एसडीएम महोदय ने तहसीलदार रघुराज नगर को भेज दिया, तहसीलदार रघुराज नगर ने जांच के लिए भेज दी सोहावल तहसील को। तो क्या हुआ जांच में? कुछ नहीं, आज 3-4 महीने हो गए फिर लटकाया जा रहा। डेली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, उसमें आदिवासी के साथ अत्याचार मत करिए, उसमें कार्यवाही करिए और जो भी प्रतिवेदन आपको देना दीजिए, क्योंकि पूरा दस्तावेज है। तो फिर प्रतिवेदन देने के लिए पैसा लिया? हाँ नहीं, अभी तो मेरे को लटकाया जा रहा है, फिर उसके बाद बनवारी लाल जी ने मेरे को बोला कुछ खर्चा करिए, ऐसा है तो कुछ कोई प्रतिवेदन आ जाएगा। कितनी रिश्वत दिया आपने? मैंने 20,000 रुपए की रिश्वत दी बनवारी लाल को। उसके बाद काम हुआ क्या? नहीं, अभी तो कोई प्रतिवेदन ही नहीं आया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डेली लटकाया जा रहा मुझे। सतना कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोहावल वृत्त के तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के कार्यालय में कार्यालय सहायक खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस रिश्वत लेने के बाद जिला प्रशासन बनवारी लाल बागरी एवं उस कार्यालय में पदस्थ लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करता है। विशाल खबर इस बात की उम्मीद करता है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध जिला प्रशासन जांच करके निष्पक्ष रूप से कार्यवाही जरूर करे, जिससे जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वह स्लोगन स्थापित हो सके कि भय भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार। क्या तहसील कार्यालय में इस तरीके की रिश्वत ली जानी चाहिए? यदि आप लोगों को लगता है कि ली जानी चाहिए तो लिखिए हाँ, अगर आपको लगता है कि यह गलत है, नहीं ली जानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नहीं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल
विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लोगों से सब्सक्राइब करा के हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।